ये नज़ारा है मॉडल टाउन वार्ड के राजपुरा गुड़मंडी इलाके का, जहां आज स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पहचान पत्र एवं लेबर कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस शिविर का आयोजन दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के सदस्य शमशेर सिंह मलिक और मॉडल टाउन वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय सागर जैन द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर इस शिविर का लाभ उठाया तथा अपने पहचान पत्र और लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष शिविर का आयोजन जरूरतमंद लोगों के लिए पूरी तरह से निशुल्क रूप से किया गया है और इलाके के लोगों को कहीं दूर न जाना पड़े, इसलिए शिविर की व्यवस्था राजपुरा इलाके में ही की गई है और भविष्य में भी हमारा यही प्रयास निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के शिविर लगाकर लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना ही हमारा उद्देश्य है। यहाँ का आयोजन माननीय विधायक कलेश्वर त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में वोटर आईडी कैंप और लेबर कैंप यहाँ लगाया गया है। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बाहर तक लाइन थी, लेकिन अब कंट्रोल आ रही है। सबके वोटर आईडी कार्ड और लेबर कार्ड बनाए जाएंगे, तब तक बनेंगे तब तक यह कैंप चलता रहेगा। आने वाले सप्ताह में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कैंप लगाए जाएंगे। यह कार्यक्रम शमशेर सिंह मलिक जी के प्रांगण में आयोजित किया गया है। यहाँ की जनता अति उत्साहित है, जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, अपनी समस्याओं का निवारण कर रही है। जैन साहब, क्या ये रोजाना लगेगा ये कैंप? ये यहाँ पर इस एरिया में आज आज का कैंप है, अगला कैंप अलग एरिया में लगेगा। तो क्या आज क्या सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को? आज सुविधाएं लोगों को लेबर कार्ड बनाकर दे रहे हैं और वोटर कार्ड बनाकर दे रहे हैं, जो निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इसमें पूरा योगदान हमारे विनय सागर का।